नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है उसमें एक या दो या तीन या चार जो पार्टीशन हैं, पार्टीशन जैसे कि आपके जो सी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, इस तरीके से अगर आप और भी यहाँ पे और ड्राइव बनाना चाहते हैं यानी और पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसविंदर और आप देख रहे हैं कुछ नया सीखें यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आगे के जो वीडियो हैं आप फिर से देख सकें। दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो MBR के ऊपर है। अगर आप GTP पे चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो GTP के ऊपर होगा। तो आज हम जैसे कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कौन से पार्टीशन पे है, जैसे MBR पे है या फिर GTP पे है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने MBR पे अगर आपकी हार्ड डिस्क है तो आप उसमें पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम अपने पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो हार्ड डिस्क तो आपको पता ही होगा, जो हार्ड डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर की मेन जो मेमोरी होती है वो, उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। और उसके जो अलग अलग टुकड़े होते हैं उसे हम पार्टीशन बोलते हैं। जैसे कि हम माई कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लोकल डिस्क सी है, लोकल डिस्क ई है, एफ है और कई सारी आपने देखी होंगी, तो उसे हम पार्टीशन बोलते हैं। लेकिन एक ही हार्ड डिस्क में से हम कई सारे पार्टीशन बना लेते हैं। तो अगर आपके पास दो या तीन या चार पार्टीशन हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इसमें पार्टीशन बना लें कुछ डेटा रखने के लिए, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि हम अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में पार्टीशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो जो हार्ड डिस्क है वो 500 GB की है और यहाँ पे 100 GB की, यहाँ पे एक पार्टीशन है और यहाँ पे एक पार्टीशन है 100 100 GB का। हमारे पास दो पार्टीशन है। तो जो आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो कितना GB का है वो आपको चेक करने के लिए यहाँ पे अपने माई कंप्यूटर, या आपको अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपको यहाँ पे दिस PC का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में मैनेज का ऑप्शन आएगा, तो मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक और विंडो खुल जाएगी। तो हम यहाँ पे जो हमारा जो अपनी हार्ड डिस्क है उसे पहले खोल लेते हैं और इसको हम साइड में लगा देंगे ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हमारा जो पार्टीशन बना है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो और एक विंडो खुल गई है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्क मैनेजमेंट का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपकी हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पार्टीशन हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्क ई है वो यहाँ पर है, जो सी है वो यहाँ पर है, और ये जो एक पार्टीशन है ये अनलोकेटेड है, यानी ये इसको हमने अभी लॉक नहीं खोला है, ये लॉक है। तो हम इसे अनलॉक करने के लिए इसमें से पार्टीशन निकालना पड़ेगा, यानी इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा अलग पार्टीशन बनाने के लिए। ये स्टॉक रहता है हमारे ये जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें स्टॉक रहता है, तो इसे अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे एक पार्टीशन बनाएंगे। ये हमें वैसे यूज़ नहीं होता है, इसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, कुछ रख नहीं सकते। इसे हम जब भी यूज़ करते हैं जब इसमें से पार्टीशन बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक न्यू सिंपल वॉल्यूम पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना MB के हिसाब से आप कितना GB का रखना चाहते हैं या कितना MB का रखना चाहते हैं। तो MB में तो कोई नहीं रखता, तो GB में ही आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल मैनुअली टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल एक 100 GB का एक पार्टीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे 100 GB डालने के लिए आपको यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1,02,500, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी डालो। यहाँ पे आपको असाइन लेटर दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप इसमें से चुन सकते हैं कौन सा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे डी ही रहने देता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन सा भी एक लेटर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे डी ही रहने देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वॉल्यूम, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, मैं कोई इसे एक नाम दे देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एक इसे नाम दे दिया है, और अब इसे हम नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक हार्ड डिस्क, अब यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो ये और एक पार्टीशन बन के तैयार हो गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 100 GB का जो पार्टीशन है एकदम बिल्कुल 100 GB का बन गया है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए वो 1,02,500 डाला था ताकि हमारा जो कैलकुलेटर है वो सही तरह से आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 100 GB का ये लगभग, लेकिन इसमें कम हो जाता है तो ये 97 दिखाता है, तो आपको कुछ ज़्यादा डालना पड़ता है। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम बस यही जानेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली एक पार्टीशन बना लिया है और हम इसे अब यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ कोई फाइल डाल के देख लेते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप अपना पार्टीशन बना सकते हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम CND कमांड दे करके हम अपने कंप्यूटर में पार्टीशन कैसे बनाते हैं। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा और भी अभी 170 GB खाली है, तो इसका भी हम एक पार्टीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज इतना ही बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।